चोट वोट लग जाए इसके? नहीं देखो ना, अब देखना उधर से ब्रेक से जो स्लिप हो जाए भाई, थोड़ा पास में रहे। इंजन में रख के चलिए भाई। हाँ एक पैर इंजन में रखा फिर। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सब खैर? आज तुम्हारा भाई तैयार हो चुका है, पता है कहाँ जा रहे थे? वो सब तैयार हो रहे हैं। मैं इन सब को घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ पूरा महादेव जी मंदिर, है ना। महादेव जी का बहुत फेमस टेम्पल है पूरा महादेव जी, जो कि मेरठ में पास पड़ता है। तो हमने सोचा चलो आज वहीं चलते हैं, तो आज सबको घुमाने ले जाते हैं। सब कह रहे थे कहीं चलो, तो हमने कहा भगवान जी के पास चलते हैं आज, तरीके से वहाँ घूम के आएंगे, है ना। तो जल्दी से निकलते हैं, सबको तैयार करते हैं, फिर पहुँचते हैं। भाइयों हम लोग निकल चुके थे, बहुत देर हो गई, अराउंड हाफ एन आवर से ज्यादा हो चुका है, और अभी अपन पहुंचने वाले हैं। 3-4 किलोमीटर रह गया पूरा महादेव जी, हमारे से अराउंड यही होगा 28 या 30 किलोमीटर के आसपास होगा घर से। तो अब यही है कि अपन जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता भी, गाँव के रास्ते में जा रहे हैं। अब फील हो रहा है कि शायद गलती कर दी, इस टाइम निकल के सुबह जल्दी आना चाहिए यहाँ, तो क्योंकि वापसी में रात हो जाएगी। देखते हैं फिर दूसरे रूट से निकलेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, देखो आपको, ये देखो, देख रहे हो पूरा गांव का रास्ता है, चारों तरफ ईक खड़ी है, ईक के बीच में अपन लोग जा रहे हैं ऐसे। अच्छा सूरज कितना अच्छा लग रहा है, सन है ना। चलो आज आपको दर्शन कराते हैं पूरा महादेव जी के, पहुंच के जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ। तो भाई ये पहुंच गए अपन, ये है पूरा महादेव जी का मंदिर, देखो ये कितना बड़ा सा है ना, यही मंदिर है, यहीं गाड़ी लगाएंगे अपन, यहीं चलेंगे दर्शन करने, ठीक है। प्रवेश द्वार तो बहुत सारे हैं, एक ही है। चलो गाड़ी पार्क करता हूँ जल्दी से, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। ये बैक गए ना, ये बैक है, हाँ इसका फ्रंट आगे से, अभी ऐसे चलेंगे आगे को, वहीं लगाएंगे चल के। ये थोड़ा सा ना गांव के क्षेत्र में पड़ता है मेन, परशुराम की वो है, परशुराम जी ने तपस्या की थी यहाँ, तपस्थली हाँ, और बहुत फेमस है यहाँ शिव जी। तो पता है परशुराम जी तो खतरनाक थे, जहाँ कर ली तपस्या वहीं अपना बुला लिया भगवान जी को। तो परशुराम जी का ये देखो, ये यही गाड़ी लगा लेंगे जहाँ इन लोगों की लगी है, और यहीं से एंट्री करेंगे, आगे लगा लें उस बैन से। तो भाइयों ये है अपना पूरा महादेव जी का प्रांगण, ये पुराना महादेव जी के मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दी ना, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये पूरा महादेव जी के मंदिर के साथ ही इन्होंने पूरा महादेव कन्या इंटर कॉलेज खोल रखा है, तो क्लासेस भी अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। ये मंदिर है, चलते हैं मंदिर में अंदर भाई, बहुत फेमस मंदिर है, जब से सोमवार को तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती, बहुत भीड़ होती है। आज संडे, बाबू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो ये पूरा महादेव जी का मंदिर, और ये है हमारी शिवलिंग पूरा महादेव जी की, ठीक है। इनकी मान्यता बहुत है, ऐसे करके यहाँ से जाते हैं कि अपन जल्दी के चल जाएँ, ठीक है। दिल चढ़ाएँगे भगवान जी को। कितना बढ़िया मंदिर बना रखा है, हमारे सिवलिंग है पूरा महादेव जी।
हमारे मनु भैया, ये देखो हमारे मनु भैया। हमारी टीम खा रही है भंडारा, जेरी सारी की सारी टीम बैठ के भंडारा खा रही है। वो जो मंदिर है ना, ये यहाँ बाबा जी थे बाल्टी लगा रखी ना, इसमें उन्होंने कड़ी चावल बना रखे हैं, सबको दे रहे हैं। जो भी मतलब वहाँ पे जाता है ना तो उसको देते हैं, और जो चढ़ावा वगैरह देना हो दे दो, नहीं भी देना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबको मिल रहा है ऐसा कुछ। तो हमें मिले कड़ी चावल, सब ने खा लिया, मैं भी खा रहा हूँ। तो भाई भाई देखो, ये अपना पूरा महादेव जी का टेम्पल, ये मेन टेम्पल है, और ये भगवान जी हैं। ये भैया बैठे ना, इनके जस्ट पीछे हैं भगवान जी, जिनको सजा रहे हैं भगवान जी के ना, सजा रहे हैं। डेली शाम को उनका श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से स्पीकर वगैरह लेके आए, गाने वाने बजेंगे भगवान जी के। चलो बोलो जय भोले की, हर हर महादेव। भाई अगर देखा जाए तो कुल मिला के बहुत बड़ी जगह है। देखो ये जो सूरज कितना प्यार लग रहा है, देखो डूबता हुआ है ना, कितना सनसेट कितना प्यार लग रहा है। तो भाइयों मैं क्या कहना चाह रहा था, ये देखो जगह कितनी बड़ी है यार, मतलब ये इनकी ना ये लोकेशन है, देखो कितनी, अगर मैं 0.5 पे करके दूँ, अब देखो ये कितना बड़ा, ये भी इनका है ठीक है। ये मंदिर में देखो लोग जा रहे हैं उधर एंट्री, ये एंट्री कर रहे हैं लोग जा रहे हैं, यही मंदिर जा रहे हैं ठीक है। ये मंदिर की एंट्री वहाँ से होती है, गेट है, और यहाँ ये यहाँ चढ़ के ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, और वहाँ इस ये जो दीवार है ना, इसके पीछे की तरफ मंदिर है, ये भी इन्हीं का, ये दीवार भी ठीक है, ये देखना है परिसर भी इनका, इतना दूर तक ये जो बाउंड्री ना, ये सारी बाउंड्री इन्हीं की है। तो भाई मंदिर का स्पेस तो बहुत है, इनकी पेट पूजा चल रही है। ये मंदिर है, यहाँ पे इन्होंने बना रखा है भैया ने टेंट, यहीं पे देते हैं। अगर किसी को भूख लगे तो आप आके यहाँ पे खा सकते हैं। ये दे रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, चाय, और इन लोगों ने पकौड़ी ली है और चाय ली, और चाय को लड़ो ली, ये लोग पकौड़ी ख़त्म भी कर चुके हैं। ब्रेड पकौड़े थे भाई। चल रहे हैं अब हम हर हर महादेव, हम जा रहे हैं पूरा महादेव जी से वापस घर के लिए निकले। बाबू देखो कितना खुश हो रहा है, बाबू हमारा, बाबू कितना प्यारा लग रहा है। हर हर महादेव बोलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबू डर गया, देखो इधर से जाते हैं, ये जीना है, ये पीछे मंदिर है, वो है हम ठीक है। ये पूरा महादेव जी से एग्जिट ले लिया अपन ने, ये है महादेव जी का रोड। और ये देखो सूरज कितना बेहतरीन लग रहा है, देखो सूरज डूब रहा है इस टाइम, कितना अच्छा लग रहा है सूरज डूबता हुआ, है ना। ऐसे उदय पे लगता है, ऐसे अस्त पे लगता है। हाँ ऐसे ऐसे उदय पे लगता है, उदय में भी ऐसे आता है पूरब की तरफ से, और अभी पश्चिम में डूब रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब अपन निकलते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो गया है, शाम हो जाएगी बहुत ज्यादा। भाई देख रहे हो कि नहीं, टेंशन आ रहा था, अपन को यहाँ से निकलना है सीधे। ये देखो भाइयों, अभी अपन आ गए, ये कौन सा वाला है, जानी वाला पुल है, ये जो गंगा जी की गंगा नहर निकलती है ना उसका है, और इसके बाद मेरे ख्याल से मुराद नगर की नहर आ जाती है ना आगे जाके। ये भी पानी बहुत कम है, देखना कितना कम पानी है, कितना पानी बड़ा कम है, पन्नी वन्नी बांध देते हैं लोग, बहुत नाश मार के, तो पानी कम ही दिख रहा है पानी तो उसमें। अभी अपन मेरठ के लिए सीधे निकल जाएंगे, मुजफ्फरनगर मेरठ गाजियाबाद। भाई देखो हाईवे कितना सही कर रखा है, ये अपना बागपत वाला हाईवे है, मेरठ से निकलता है जो बागपत के लिए, बेहतरीन बना रखी है रोड, चिकने बिल्कुल खतरनाक, मजा आ गया। गलती कर दी हमने उधर, तो हम वापसी जा रहे थे रोटा वाले हाईवे से निकल गए, रोटा की रोड से निकल गए हम, इससे आना चाहिए था, हमने सोचा रोटा से निकल के ना इससे आएंगे, पर ये नहीं पता था कि इसका हाईवे इतना बढ़िया हो गया, तो इससे ही आना चाहिए था और इससे जाना चाहिए था। चलो आइंदा आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप लोग कभी पूरा महादेव आओ तो बागपत वाला हाईवे पकड़ना, उससे जाना उससे जाना। बाबू चोट लगी, बाबू को कर दो प्यार, कर दो बाबू चोट लग गयो, भैया कर दो।